अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुसलसिल दो दिन से जो है शहर में हंगामा चल रहा है। हैदराबाद के जो है तकरीबन 10 लेडीज जो है एक शफी नामी एजेंट और एक परवेज नामी एजेंट जो है ये तकरीबन हैदराबाद के 15 ख्वातीन को हैदराबाद के जो है नौकरी के बहाने झांसा लेकर दुबई को भेजा। दुबई जाने के बाद में जो है वहाँ पर इनको ये जो अल सफीर ट्रैवल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इन्होंने 2-2 लाख रुपए में एक एक ख्वातीन को भेज दिया वहाँ पर। और ये लोग 3 महीने से वहाँ पर परेशान हैं, मुसलसिल पूरे वीडियोस मेरे को भेज रहे हैं, उनके पूरे घर वाले हैं, ये जितने भी वहाँ पर लेडीज फंसे हुए हैं, जुमला 15 हो गए अभी तक। हम समझ रहे थे पहले 5 लोग आए, फिर उसके बाद में कल और 5 लोग आए, फिर अभी तक और 3 का केसेस है, जुमला अभी तक 15 लोग हो गए जो शफी एजेंट भेजा सो। तो कल मुझे पता चला है कि हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस ये बात को सीरियस लिए हैं और टास्क फोर्स जो है इसको उठाई है शफी को। लेकिन ये एक अकेला शफी नहीं है, ये एक अकेला परवेज नहीं है, इनके पीछे जो है कई लोग है। इसमें जो है कोई लेडीज एजेंट्स भी है इसके अंदर, वो लेडीज एजेंट्स को भी जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेडीज एजेंट्स और जेंट्स एजेंट्स मिलके जो है तकरीबन पूरे खानदान को परेशान करके रखे हुए, पूरे हैदराबाद वालों को परेशान करके रखे हुए है। कुछ लेडीज का तो जो है अभी तक कांटेक्ट में नहीं है, उनके फोन्स खींच लिए, उन लोगों को वहां पर दुबई में ऑफिस में बंद करके रखे हुए है। कुछ 2 या 3 लेडीज जो है टच में आए हैं, उन इतवार को आ रहे हैं बोल के मालूम हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ये तमाम हैदराबाद के 15 लेडीज को वापस भेजा देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि इस केस को सीरियस लेते हुए, ये केस में PD एक्ट इस्तेमाल करते हुए जितने इसके अंदर लेडीज एजेंट्स भी है, जितने जेंट्स एजेंट्स हैं, पूरों के साथ सख्ती करना चाहिए ताकि आइंदा फिर हैदराबाद में कोई खवातीन को ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि भाई उतनी दूर जाना कहीं को, कहीं के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हर किसी के घर की परेशानी रहती है, हर किसी के घर की कुछ मजबूरी रहती है। यहाँ पर लॉकडाउन फ्लड से दुनिया का परेशान है, खवातीन जो है भीख मांग रही मस्जिदों के बाहर ठहर के। तो अगर कोई ऐसे सूरत में आके ये बोल रहा कि मैं तुम्हारे को दुबई में नौकरी दिला रहा हूँ, मैं 30,000 तनख्वाह दिला रहा हूँ तुम्हारे को, तो कोई भी फॉल हो जाता है उसके ट्रैप में। तो बजाय ये सवालात करने के, इनको कैसा बचाना है, जितने लोग भी दुबई में हैं, जो अगर कोई अच्छे पोस्ट पे है, जिनके ताल्लुकात पुलिस वालों से है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि ये मेरे, मैं इसके नंबर जो है फेसबुक पे डाला हूँ, ये अल सफीर रिक्रूटमेंट एजेंसी में तकरीबन 10 खवातीन उसके कब्जे में है। तो दुबई की CID को या दुबई की पुलिस को ले जाइए, आप लोग ले जाकर जो है ये इसके ऊपर रेड कराइए, वो 10 खवातीन को भी बाइज्जत हैदराबाद तक वापस लाइए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अहलिया ने हैदराबाद जो दुबई में है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इन खवातीन को बचाइए, इनके जितने भी रिश्तेदार है उनको बचाकर जल्द से जल्द हैदराबाद वापस लाइए। आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। मुझे नहीं, आप किससे, आपसे रब्त हुआ, आपकी बेटी से आपकी बेट, आपका नाम बोलो, आपकी बेटी का नाम बेगमपेट में। दो बेटियां हैं ना आपके? हाँ, एक नाजिया। क्या हुआ? 50,000 तनख्वाह देते बोल के लेके गए, अभी तक 3 महीने से कुछ भी नहीं दिए बच्ची को, फिर बन के रखे, फोन खींच लिए, बात भी नहीं करने दे रहे अभी तक, बात नहीं। अब आपन कंप्लेंट करने के बाद, करने के बाद तो बात करे उन लोग, इतवार को आ रहे। ठीक है, और कौन है इसमें? अब ये जो कल फ्रेश आए सो लोग कौन है बोलो, दो से बात कौन है, आपका नाम बोलो, आपके सलमा बेगम है ऑफिस में फंसे हैं। आपकी वालदा है? कहाँ पर है? ऑफिस में, कौन से ऑफिस में? दुबई के ऑफिस में। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रहा हूँ बोलिए आपको, गवर्नमेंट से क्या मुतालिबा कर रहे हैं बोलो, आप बात करिए, बोलिए क्या है, आपके कौन है, आपका नाम बोलिए। हमारे घर वाले है दुबई के ऑफिस में, मेहरुन्निसा बेगम है, और ये
24 घंटे में एक बार खाना दे रहे या नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा, परेशान कर दे रहे। और माँ के आप ऑफिस के जो आदमियाँ हैं मार दे रहे, कैसा बोले वैसा। ठीक है, और कौन है बोलिए? आप आइए इधर आइए। क्या आपका नाम क्या है बोलिए? जोर से बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला नाम है मेरा। कौन है आपके, कौन गए बाहर? जी मेरे बीवी गए हुए नुरजान हैं। कहाँ पर है उन्होंने फंसे हुए, किधर है, कुछ इतला है आपको? जी दुबई में है, दुबई में है। मालूम मैंने कौन एजेंट भेजा? जी शफी है, शफी। और कौन है आप? आपके को आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद मकबूल है सर। आपके कौन गए हुए है? हमारे वाइफ गए हुए सर। हाँ, क्या नाम है उनका? उनका नाम असला बेगम है सर। कौन भेजे आपके वाइफ को, कौन भेजे? शफीउल्लाह बेगम सर। तो ये तमाम देखिए कि एक शख्स शफी जो है पूरे खानदानों को परेशान करके रखा हुआ है। तकरीबन 15 खवातीन अपने पुराने शहर के है पूरे। मैं गुजारिश करूंगा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। और मैं गुजारिश करूंगा इंडियन एम्बेसी इन यूएई, इंडियन कौंसुलेट इन दुबई और जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं दुबई में, सारों से मेरी अपील है कि आपको अगर इनके पर्सनल डिटेल्स होना है मैं आपके ईमेल पे फॉरवर्ड करूंगा या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करूंगा। दुबई की पुलिस से भी रब्त कायम करिए, ये कौन एजेंट है उसको गिरफ्तार कराइए। वहां पर जो दुबई में रिक्रूटमेंट एजेंसी चला रहा, ये आखिरी केस होना चाहिए कि हैदराबादियों को कोई धोखा दिया। तो शुक्रिया, खुदाफिज़, या जिंदा सोबत बाबा।